आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप UTI PSA ID की मदद से न्यू पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। न्यू पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए, न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड लेना है, एप्लीकेंट का आधार कार्ड का फोटो कॉपी चाहिए, उसका दो फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर आप असम, मेघालय या जम्मू कश्मीर इन तीन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके स्टेट में वोटर कार्ड से भी पैन कार्ड अप्लाई हो जाएगा। अगर आप तीनों स्टेट में बिलोंग नहीं करते और कोई स्टेट से हो तो दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूं, आप वोटर कार्ड से पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते, आपके लिए आधार कार्ड कंपलसरी है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। पैन कार्ड अप्लाई कैसे करते हैं मैं आपको बेसिकली शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले आपको 49 सर्विस में आना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है प्री फॉर्म इंटरव्यू। सबसे पहले आपको प्री फॉर्म इंटरव्यू करना होगा। प्री फॉर्म में बेसिकली आपसे अप्लीकेंट का नेम, फादर नेम, DOB, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है, जो नॉर्मल डिटेल्स होती है। फिर आपको उसके बाद में आना है मेन फॉर्म में। मेन फॉर्म एंट्री में इसमें आपको एड्रेस पूछा, अप्लाई कर उसका एड्रेस पूछा जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है रीजनरेट पेन एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको एक PDF मिलेगा, उसका प्रिंटआउट निकलवाना है, यानी कहने का अर्थ ये है कि आपको एक फॉर्म मिलेगा भरा हुआ फॉर्म, उसको निकालना है। उसको प्रिंटआउट निकालने के बाद उसमें फोटो से पहले सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद में यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जनरेट पेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको जनरेट पेज कर देना है। इतना काम करते हैं आपका पैन कार्ड अप्लाई हो चुका है, कम्प्लीटली पूरा प्रोसेस हो चुका है। तो अब हम इसमें डिटेल में जानते हैं, एक एक स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले आपको आना है प्री फॉर्म इंटरव्यू में। यहाँ पर प्री फॉर्म इंटरव्यू का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको प्री फॉर्म इंटरव्यू में आना है। जैसे हम प्री फॉर्म एंटर करते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए दोस्तों, यहाँ पर बता रहा है कूपन, ये बहुत फिजिकल कूपन है। मैं आपको बहुत पहले इनका बारे में बताता हूँ। बहुत फिजिकल कूपन क्या होता है दोस्तों, ये आपके जो पैन कार्ड, इस कूपन से अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करते हो तो इसका अर्थ ये होता है कि ये पैन कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर भी आएगा, प्लस आपके होम डिलीवर भी होगा। और सेकंड यहाँ पे ई कूपन, ये क्या होता है कि ये सिर्फ आपकी ईमेल आईडी पर आएगा, घर पर नहीं आएगा, ये सिर्फ ओनली ईमेल आईडी पर आएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे आपको कैटेगरी, तो फर्स्ट में आपको यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करवा रहा है, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अगर किसी नॉर्मल पर्सन का बना रहे हो तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर देता हूँ। और देन यहाँ पे देखिए ई, यहाँ पे ई पेन या फिर बहुत फिजिकल, आपसे अगर आप ई पेन करना चाहते हो तो ई पेन भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे बहुत फिजिकल करूँगा क्योंकि मेरे को ईमेल आईडी पर भी चाहिए और घर पर भी मेरे को चाहिए पैन कार्ड। ठीक है, बहुत फिजिकल सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे आपको। और यहाँ पे देन आपको यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना है। अगर किसी मेल यानी पुरुष का बना रहे हो, चाहे वो शादीशुदा हो, अनमेरिड हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पे सीरीज सेलेक्ट करना होगा। अगर आप किसी महिला का बना रहे हो तो यहाँ पे SMT सेलेक्ट करना होगा। अगर आप किसी लड़की का बना रहे हो तो आपको कुमारी सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सीरीज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सीरीज सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको पैन, यहाँ पे अप्लीकेंट का नेम फिलअप करना होगा। अप्लीकेंट का नेम फिलअप करने के लिए मैं आपको पहले प्रोसेस बता देता हूँ, अप्लीकेंट का नेम फिलअप कैसे होता है, क्योंकि अधिक दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको अप्लीकेंट का नेम अगर फिल करना है तो किस तरह फिल करना होगा। तो समझ लीजिए किसी अप्लीकेंट का नेम, हम सिंगल वर्ड में जैसे राम या विजय, विनोद, कुछ इस तरह से अगर उसका नेम है तो आपको जो राम होगा यानी सिंगल जो वर्ड होगा आपको उसे क्या करना, लास्ट नेम में फिल करना है। लास्ट नेम में फिल होगा वो, और उसका फर्स्ट नेम मिडिल नेम खाली रहेगा, आप उसे खाली छोड़ सकते हो। आपको उसे जो सिंगल वर्ड है उसे लास्ट नेम में फिल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर समझ लीजिए अगर किसी के अप्लीकेंट का नेम टू वर्ड का है, यानी किसी का अब राम कुमार है, जैसे कि मैं राम कुमार मान लेता हूँ, तो जो राम होगा, जो राम है यानी फर्स्ट नेम है, इसे आपको फर्स्ट नेम में फिल करना होगा, और जो कुमार है आपको इसे लास्ट नेम में फिल करना होगा, और मिडिल नेम खाली रहेगा दोस्तों। ठीक है, और समझ लीजिए किसी का अप्लीकेंट का नेम अगर थ्री वर्ड्स में है, जैसे कि राम कुमार यादव आ गया, तो जो राम होगा उसे फर्स्ट नेम में फिल करना होगा, कुमार है, कुमार को मिडिल नेम में फिल होगा, और जो यादव है, यादव को आपको लास्ट नेम में फिल करना होगा दोस्तों। इस तरह आपको अप्लीकेंट का नेम फिल करना है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे गुजरात में क्या होता है, अधिकतर गुजरात में अधिकतर ये होता है कि जो सरनेम होते हैं, सरनेम अप्लीकेंट के नेम से पहले आ जाते हैं। जैसे कि इस अप्लीकेंट का नेम राजू है, लेकिन इसका जो सरनेम है पटेल, वो आगे लिखा गया है नाम के आगे, यानी इसके आधार कार्ड में है पटेल राजू। आपको इस तरह का अगर पैन कार्ड मिलता है तो आपको क्या करना है, जो पटेल होगा उसे फर्स्ट नेम में ही फिल करना है, आपको लास्ट नेम में इसे नहीं ले जाना है, इसे फर्स्ट नेम में ही फिल होगा, भले उसका ये सरनेम क्यों ना हो, लेकिन इसे फर्स्ट नेम में फिल करना होगा क्योंकि आधार कार्ड में ऐसा ही नेम है। ठीक है, और जो राजू होगा
तो राजू को लास्ट नेम में फिल करना है। आपको देखिए दोस्तों अप्लीकेंट का नाम सही से फिल करना है, क्योंकि अधिकतर मैं देखता हूँ कि गलती लोग अप्लीकेंट का नेम फिल करने में ही करते हैं, और कहीं कोई गलती नहीं करती, वो अप्लीकेंट का नेम फिल करने में ही गलती कर जाते हैं। ठीक है, अप्लीकेंट का नेम फिल हो गया। अप्लीकेंट का नेम फिल करने के बाद में आप देखिए हम वापस अपने फॉर्म पर आते हैं, और मैं यहाँ पर अप्लीकेंट का नेम फिल करता हूँ। फिल करने वाले यहाँ पे देखिए जेंडर ऑटोमेटिक लेता है, आपके टाइटल से जेंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ बर्थ हम फिल कर लिए। डेट ऑफ बर्थ फिल करने वाले यहाँ पर नो सेलेक्ट करना होगा, नो सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे फादर सेलेक्ट करना है। अगर किसी अप्लीकेंट की अगर फादर की डेथ हो जाती है, अगर डेथ हो गई कोई बात नहीं, लेकिन आपको फिर भी अप्लीकेंट का फादर नेम ही सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर फादर नेम फिल करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर फादर नेम में फिल कर देता हूँ। ठीक है, अप्लीकेंट का फादर नेम फिल हो गया, और मैं नीचे आता हूँ, और यहाँ पे आपको देखिए रेसिडेंस सेलेक्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे रेसिडेंस है अप्लीकेंट का, जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना होगा, बस स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, समझ लीजिए। आप ऑफिस एड्रेस सिलेक्ट करते हो, ऑफिस एड्रेस क्यों सिलेक्ट करना पड़ता है मैं आपको देता हूँ जी। समझ लीजिए, अगर कोई बंदा है उसका आधार कार्ड में जो एड्रेस, आधार कार्ड में एड्रेस वो राजस्थान का है, और वो बंदा प्रेजेंट टाइम में मुंबई रह रहा है, मुंबई में काम करता है, जॉब करता है वो, और वो चाहता है कि मैं जो पैन कार्ड बना रहा हूँ मेरे मुंबई में आए, लेकिन उस पर जो आधार कार्ड पर एड्रेस तो राजस्थान वाला है, वो चाहता है कि मेरा आधार कार्ड है मुंबई में आए, तो उसके लिए क्या करना है आपको, ऑफिस एड्रेस सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन आप ऑफिस एड्रेस सिलेक्ट करते हो तो आपको एनएक्सबी नाम से फॉर्म आता है, मैं उस फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। एनएक्सबी नाम से फॉर्म आता है, वो फॉर्म आपको फिल करना होगा दोस्तों। एनएक्सबी नाम से फॉर्म आएगा, वो फॉर्म फिल करना होगा आपको, ठीक है, तभी आप ये ऑफिस एड्रेस सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन मेरे को ऑफिस का नहीं मंगवाना, मेरे को आधार कार्ड जो एड्रेस उस पर मंगवाना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे रेसिडेंस सेलेक्ट करना है। ठीक है, रेसिडेंस सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे टिक करना होगा, पर टिक करने के बाद अप्लीकेंट का यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करता हूँ, आधार नंबर फिल कर देता हूँ, और यहाँ पे चेक आधार क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको अप्लीकेंट का जो आधार कार्ड पे नेम है वो आधार कार्ड पे नेम फिल करना है, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है जो आप पैन कार्ड बना रहे हो, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैं तीनों में आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आधार कार्ड से जो पैन कार्ड बना रहा हूँ। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, आपको ईमेल आईडी फिल करना होगा अपनी मेल का, अप्लीकेंट का यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कम्युनिकेशन एड्रेस। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है, यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट करना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए नीचे टाइमर चल रहा है, तो दोस्तों इस टाइमर का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि ये टाइमर 10 मिनट का यहाँ पे टाइमर चलता है, आपको इस फॉर्म को 10 मिनट के अंदर अंदर ही फिल करना पड़ता है, आप इस बीच पर ध्यान रखिएगा। आपको इस फॉर्म को 10 मिनट के अंदर अंदर ही फिल करना होगा, अगर आपको 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग जाता है तो फॉर्म लॉक हो जाता है, ये 3-4 घंटे के लिए लॉक हो जाएगा। लेकिन आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, 4-5 या फिर 3-4 घंटे के लगभग इतने टाइम के बाद ये वापस ओपन हो जाता है, वो घबराने कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखना है। फिर टाइमर और ये इतना करने के बाद आपको सबमिट बटन प्रेस करना है, सबमिट बटन प्रेस करते ही यहाँ पे देखिए आपको इसका रसीद आ जाएगा, इस करते यहाँ पे प्री फॉर्म सबमिट का एक रिसिप्ट निकलता है, तो आप रिसिप्ट में देख सकते हो, जैसे कि दोस्तों अप्लीकेंट का नेम, उसका फादर नेम, DOB, ये सब डिटेल आप शो करा रहे हो, तो इसमें जो आप चेक कर रहे हो डिटेल्स आपने सही फिल किए नहीं फिल किए, और यहाँ पे दोस्त देख सकते हो दोस्तों कूपन नंबर शो कर रहा है। तो ठीक है, आपको ये आपका कूपन नंबर पर ध्यान देना है, कि यहाँ पे देखो कूपन नंबर के आगे जी लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कूपन नंबर के आगे जी लगा हुआ है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका कूपन नंबर क्या, आप जो प्री फॉर्म सबमिट किए हो उसकी रिसिप्ट में कूपन नंबर के आगे जी लगा हुआ है या नहीं है। अगर दोस्तों कूपन नंबर के आगे जी नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है आधार मैच्ड यूजिंग डेमोग्राफी डिटेल्स, ये लिखा हुआ होना वो दोस्तों बहुत ज़रूरी है, ये अगर लिखा हुआ आपके आधार कार्ड में अगर नहीं है, अगर यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ आ रहा है, अगर ये लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है कि आधार कार्ड से डिटेल मैच नहीं कर रही,
या आधार कार्ड से डाटा है वेरीफाई नहीं, अगर इस तरह का कुछ लिखा हुआ है दोस्तों तो आपका प्री फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा, वो मेन फॉर्म सबमिशन में नहीं होगा। और समझ लीजिए अगर आपसे अगर कोई प्री फॉर्म भरने में अगर कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक्स हो जाती है, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एडिट प्री फॉर्म का एक ऑप्शन आ रहा है। एडिट प्री फॉर्म पे आपको ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे आपसे एक कूपन नंबर मांग रहे हैं, यहाँ पे कूपन नंबर फिल कीजिए, या फिर कूपन नंबर नहीं है तो यहाँ पे एक डेट सिलेक्ट करो, आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों में से एक कर सकते हो। और जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे एक आपके कूपन नंबर शो हो जाएगा, जैसे आप कूपन नंबर पे क्लिक करेंगे तो प्री फॉर्म सब आपका ओपन हो जाएगा, आप चाहो तो उसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो। हमारे बिल्कुल सही है, हमें कोई गलती नहीं है, तो हम सीधे मेन फॉर्म एंट्री में चलते हैं दोस्तों जैसे ही हम मेन फॉर्म सबमिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कूपन नंबर एप्लीकेंट का नेम शो हो रहा है, आपको इस कूपन नंबर के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप कूपन नंबर पर क्लिक करोगे वो मेन फॉर्म खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें यहाँ से आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। अगर आप पूरा प्रोसेस देखना है तो वीडियो को पूरा देखना होगा, अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देते हो तो आपको और भी वीडियो देखना पड़ सकता है। आप बाद में मुझे कमेंट करके कहोगे सर मेरा पैन कार्ड अप्लाई नहीं हो रहा, मुझे ये पैन कार्ड में दिक्कत हो रही है, वो पैन कार्ड में दिक्कत हो रही है, दोस्तों फिर आप बाद में ऐसे कमेंट नहीं करना कि मेरी सी दिक्कत हुई, आपको वीडियो पूरा देखना है। ठीक है दोस्तों मेन फॉर्म में चले जाते हैं। मेन फॉर्म में देखिए यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम, फादर नेम, डी ओ बी, यहाँ पे सारी डिटेल ये फील ऑटोमेटिक हुई आई है, तो हमने ये सब डिटेल में प्री फॉर्म में सबमिट कर दी थी। अब यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर 7 आ रहा है, कॉलम आपको सीधा कॉलम नंबर 7 पे चले आना है, और कॉलम नंबर 7 पे यहाँ पे आप इसे एड्रेस मांगे एप्लीकेंट का एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों फर्स्ट में आपसे यहाँ दिख रहा है फ्लैट नंबर, डोर नंबर और यहाँ पे ब्लॉक नंबर दिखा रहा है। अगर आपका फ्लैट नंबर, आपके पास फ्लैट नंबर तो वो फिल कर सकते हो, कोई गली का, मोहल्ले का या फिर ढाणी का नेम है तो वो फिल कर सकते हो। अगर आपके पास वो भी अगर नहीं है तो आप जो एप्लीकेंट का फादर का नेम यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैं यहाँ पे एप्लीकेंट का फादर का नेम फिल कर देता हूँ, उसके बाद में आपको यहाँ पे विलेज या टाउन या फिर इस तरह करना है तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपको पोस्ट ऑफिस, रोड या सिटी, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो मैं अपना पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पे फिल कर देता हूँ। अगर दोस्तों आपको अगर पोस्ट ऑफिस श्योर नहीं है कि आपका एप्लीकेंट का है पोस्ट ऑफिस कौन सा है, तो मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्लीकेंट का पिन कोड नंबर फिल करना है। जैसे आप एप्लीकेंट का फ्री पिन कोड नंबर फिल करते हो, पिन कोड नंबर फिल करने के बाद में जैसे आप फाइंड पे क्लिक करते हो, फाइंड पे क्लिक करने के बाद में इस पिन कोड से रिलेटेड सारी पोस्ट ऑफिस का नेम दिखा रहा है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेंट का आधार कार्ड में एड्रेस चेक करना है, और उस आधार कार्ड से जो भी नेम मिलता जुलता जो भी आपको पोस्ट ऑफिस मिलती है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे चिंपारण, जो आधार कार्ड में एड्रेस में चिंपारण लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे चिंपारण का देख लेता हूँ, अगर कोई चिंपारण से अगर कोई रिलेटेड कोई है तो ये मुझे मिल चुकी है, चिंपारण यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी मेरे पोस्ट ऑफिस सही है चिंपारण है, तो मैं यहाँ पे चिंपारण को ही यहाँ पे फिल कर देता हूँ। मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से सीधा इसे फिल कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं श्योर हूँ कि चिंपारण, तो मैं यहाँ पर चिंपारण फिल कर देता हूँ। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे आपको सब डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, सब डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर सिटी चूज कराएगा, तो आप सिटी अपनी जो डिस्ट्रिक्ट होगी वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आपसे यहाँ पे पिन कोड सिलेक्ट करवाएगा, तब आप पिन कोड फिल कर देना। अगर पिन कोड समझ लीजिए यहाँ पे, अगर पिन कोड आपको राइट फिल करना है, अगर राइट फिल, अगर पिन कोड आप रॉन्ग फिल कर देते हो तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आएगा, आपको एक एरो देगा कि ये पैन कार्ड किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, यानी पैन कार्ड आपके पिन कोड नंबर गलत हो, तो आपको पिन कोड नंबर सही भरना है। पिन कोड नंबर सही भरने के दोस्तों आप देख सकते हो नीचे ऑफिस एड्रेस है, आपको ऑफिस एड्रेस नहीं भरना, क्योंकि हमने प्री फॉर्म सबमिट के टाइम पर रेसिडेंस एड्रेस सेलेक्ट किया था। ठीक है दोस्तों, आपको ऑफिस एड्रेस खाली रहता है और 8 को खाली रहने देना है। ये देखिए कॉलम नंबर 13 पे आ रहा है, 13 पे इनकम सोर्स सिलेक्ट करवा रहा है, तो यहाँ पे आपको नो इनकम सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ पे और कुछ सिलेक्ट करते हैं तो आपको हो सकता है इनकम का सोर्स मांग ले, आपसे कोई सर्टिफिकेट मांग ले, तो आप अगर पैन कार्ड बनाने कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आप नो इनकम सेलेक्ट करना। नो इनकम सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कॉलम नंबर 14 में आ जाता है। नेक्स्ट में देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे ये कॉलम नंबर 14 तब फील होता है, तब जो एप्लीकेंट हो मिनोर है, यानी एप्लीकेंट की एज अगर 18 साल से कम है तभी ये फील होगा, वरना नहीं होगा। हमारे केस में एप्लीकेंट मेजोर है, 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, इसलिए हम इसे खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, कॉलम नंबर 15 फील हुआ है, कॉलम नंबर 16 पे आना है। कॉलम नंबर 16 पे आपको देख सकते हो यहाँ पे हिम सेल्फ चूज करना, अगर एप्लीकेंट मिनोर है तो भी, अगर मेजोर है तो भी आपको यहाँ पे हिम सेल्फ चूज करना होगा। इन सेल्फ चूज करने के बाद में आपको वेरिफिकेशन नेम पे क्लिक करना होगा, नेम पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद में आपको वेरिफिकेशन प्लेस डालना है, यानी आप किस प्लेस से पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो,
जिस भी प्लेस है पैन कार्ड अप्लाई करवाएगा प्लेस डाल देना है। प्लेस डालने के बाद में उसको सबमिट बटन प्रेस करना है। सबमिट बटन प्रेस करने से पहले दोस्तों आप देख सकते आपको चेक कर लेना है कि जो आपका आईडी है उसका टाइमर लॉग आउट नहीं हो चुका। इसमें क्या होता है दोस्तों 10 मिनट का टाइमर चलता है, वो टाइमर चेक कर लेना है। अगर वो टाइम हो रहा है तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो। मैं यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं वापस अपने फॉर्म पर चलता हूँ और फॉर्म पर चलने के बाद मैं सबमिट बटन प्रेस कर देता हूँ। सबमिट बटन प्रेस कर देते दोस्तों देख सकते हो मेरा फॉर्म है जो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पे आ जाना है। डॉक्यूमेंट अपलोड पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों अभी कूपन नंबर शो हो रहा है। इस कूपन नंबर को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर रीजनरेट का एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है। रीजनरेट पैन एप्लीकेशन पर जैसे क्लिक करते हो यहाँ पर कूपन नंबर मांग रहा है, उसे कूपन नंबर सबमिट करना है। कूपन नंबर सबमिट करने के बाद देख सकते हो दोस्तों आपको ऐसा PDF मिल जाएगा। इस PDF को प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद देख सकते हो दोस्तों आपको इस तरह यहाँ पर फोटो चिपकाना है। फोटो दोस्तों ऊपर की तरफ चिपकेगा और ये जो बॉक्स बता रहा है नीचे साइड जो बॉक्स बता रहा है इस बॉक्स के अंदर आपको सिग्नेचर करने है। जो आप सिग्नेचर करोगे वो ब्लैक पेन से सिग्नेचर होगा, ये सिग्नेचर बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे देखो आपको क्रॉस सिग्नेचर करना होगा। क्रॉस सिग्नेचर करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर करना होगा और यहाँ पे डेट डालना होगा। जिस तारीख को आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उस तारीख का डेट डाल देना। डेट से कोई इशू नहीं होगा, आप किसी भी तारीख की डेट डाल सकते हो, लेकिन आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उस तारीख की डेट डाल लेना है। मैं बेसिकली इस जो PDF कैसे तैयार करते हैं इसका एक नमूना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप जैसे क्लिक करोगे वो पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कंप्लीट कैसे फोटो चिपकाना है, कैसे कैसे करना है। और इसी PDF के अंदर आपको आधार कार्ड भी अटैच करना होगा। दोस्तों देख सकते हो आपको आधार कार्ड भी इसी PDF के अंदर अटैच करना होगा। ये दोस्तों ऊपर यहाँ पर साइज़ बताया गया है आपको PDF किस साइज़ में बनाना है। देखिए यहाँ पे जो आप PDF स्कैन करोगे, डॉक्यूमेंट स्कैन करोगे जो 200 DPI में करना है, 200 DPI तो उसका सर्वर रहेगा। और इसके अलावा उसे 2 MB के अंदर होना चाहिए, यानी उसकी आपको 200 DPI में स्कैन करना है और उसकी साइज़ रहेगी वो 200 MB के अंदर रहेगी। और दोस्तों देखिए फोटो की साइज़ यहाँ पर बताई गई है। फोटो की साइज़ यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 300 DPI तो फोटो की क्वालिटी बताई गई और 213x213 ये उसकी साइज़ है और 30 KB से अंदर फोटो होना चाहिए। और ऐसे ही सिग्नेचर का बताया गया, सिग्नेचर का देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 600 DPI बताया गया। 600 DPI में आपको उसे स्कैन करना है, 60 KB के अंदर करना है और 200 × 1023 × 680 ये इसका सिग्नेचर का साइज़ है। इस साइज़ में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे दोस्तों। आप PDF तो वैसे बना ही लोगे तो, और सिग्नेचर की तो दोस्तों मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। ये वेबसाइट है दोस्तों, इस वेबसाइट पर आपको चले आना है। इस वेबसाइट देखिए यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन है, आपको फोटो क्या करना है जो एप्लीकेंट का फोटो को उसे वहाँ यहाँ पे चूज फाइल करना है और यहाँ पे गेट डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है। ये ऑटोमेटिक उस जो आप इमेज है जो फोटो अपलोड करेंगे उसे ऑटोमेटिक रिसाइज कर देगा। जितने भी वो साइज में UTI की वेबसाइट जो मांग रही है उस साइज में ऑटोमेटिक रिसाइज करके आपको दे देगा। उसी तरह सिग्नेचर को आप चूज फाइल करना है और अपलोड कर देना है। आपको इसी प्रकार इसे करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ से अपलोड करना है और डाउनलोड कर लेना। ये ऑटोमेटिक उस साइज में इसे रिसाइज कर देगा। रिसाइज करने के बाद में आप सीधा चाहे उसे अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको इसे रिसाइज कर लेना है और रिसाइज करने के बाद में आपको इस वेबसाइट पे जब इस UTI PSA की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपको गलती कहीं पे भी नहीं करनी, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलती कर देते हैं लोग। क्या करते हैं 5-7 पैन कार्ड एक साथ बना के रखते हैं तो किसी के पेन फॉर्म में किसका फोटो चिपका देते हैं, किसी का सिग्नेचर चिपका देते हैं, तो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते। आपको इस तरह का ध्यान रखना है, जब भी आप PDF बनाओ सिग्नेचर फोटो सिग्नेचर करो उसे अच्छी तरह कन्फर्म करके अपलोड करो। किसी गलत बंदे का फोटो सिग्नेचर अपलोड मत करना, वरना हो सकता है गलत बंदे के नाम से फोटो या सिग्नेचर चला जाए तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसी से ध्यान रखिएगा, फोटो सिग्नेचर सही बंदे का अपलोड करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे चूज फाइल कर लेना है, तीनों में चूज फाइल करने के बाद अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आएगा, अगर आपका PDF की साइज फोटो सिग्नेचर की सबकी साइज अगर ठीक रहती है, सब कुछ अगर सही रहता है तो सक्सेसफुली का मैसेज दे देगा। हम वेट कर लेते हैं, देख सकते हो लेगा मैसेज दे गया है, यानी आपकी जो फोटो सिग्नेचर जो PDF थी वो प्रॉपर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे जनरेट पेज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देख सकते हो नीचे एक जनरेट पेज का ऑप्शन आ रहा है। इस जनरेट पेज के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट आल का एक ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट आल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबमिट बटन दिखा रहा है, सबमिट बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे
ये आपका चारों स्टेप जो हमने फॉलो कर लिया, पहला प्री फॉर्म जो हमने भर दिया, दूसरा होता है मेन फॉर्म वो भी कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद आखिरी होता है वो होता है जनरेट पेज, तो हमने जनरेट पेज भी काट दिया। इस तरह चार स्टेप होंगे, चारों स्टेप फॉलो करने के बाद कम्प्लीटली हो जाएगा। अब इसके बाद आप जो इस पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हो, पैन कार्ड किसी स्टेटस में बना या नहीं बना, तो उस वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से इस पैन कार्ड को ट्रैक कर लेना। ठीक है दोस्तों, इतना काम होते ही आपका पैन कार्ड कम्प्लीटली हो चुका है। अगर आपको इस UTI PSA ID का अगर ID चाहिए इसका, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, उस वहाँ पे आप रजिस्टर करोगे तो इसका ID आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग।